क्या याद है। Nah, yang dulu nih ya. Yang dulu ya bisa. Lah, yang jauh anu sih. Lagi yang mulai lini dia yang jauh. बड़ा पहाड़ के जमले थोर का पहाड़ है। अभी जो मैंने बात किया बस के अंदर ध्यान दिए आप लोगों को वो पहाड़ का था। पहाड़ के नीचे साफ कर नीचे घर में अपनी जो बड़ा पत्थर नजर आ रहे हैं उसके पत्थर के साथ करके वो गार है जिसको गार है थोर कहा जाता है। हिजरत करते हुए यहाँ पर रुके थे। बिहार के दूसरे साहब ने भक्त बिहार में गाना बनाया था कबूतर अंडे दिए तो शाम की नजर कमाते हैं तो इसके पहाड़ का। अगर आप लोग सिर्फ शाम से पहाड़ की जारत करवा देते तो ऊपर जाने के लिए कम से कम एक घंटा वरना देर दो आगे की तरफ देखेंगे तो गोल पिलर आपको नजर आ रहा है, ये हेलीपैड है और उसी के साथ एक बड़ा टेंट आपको नजर आ रहा होगा। आप व्हाइट कलर का टेंट है, उसके नीचे छोटे शैतान का मकान है, फिर उससे आगे इसी तरह का एक और टेंट है, उसके नीचे दरमियाना शैतान है, फिर उससे आगे एक और टेंट है, उसके नीचे बड़ा शैतान। तीनों शैतानों में से 60 रहमतें खास उन लोगों के लिए जो अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं और सफा मरवा की सही करते हैं, और 40 रहमतें उन लोगों के लिए जो मस्जिद अल हराम के अंदर लेकर तिलावत और नवाफिल में मशगूल रहते हैं, और 20 रहमतें खास उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं करते सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के घर को मोहब्बत से देखते हैं। आज की तरफ नजर आ रहे हैं ये वो सामने देखे पहाड़ के ऊपर, ये सामने पहाड़ के ऊपर छोटा सा पिलर है, आए नजर जी। इसको नाम इस्माइल कहा जाता है। ये बिल्कुल सामने आपके सीधे उल्टे आ खेमे हैं हाजी लोग 8 दिल हज को यहाँ पर आते हैं और 9 दिल हज को अरफात के मैदान में जाते हैं और 9 और 10 की रात मुज़दलिफा के अंदर गुजारते हैं, 10 तारीख को वापस यहाँ पर आते हैं, 10 दिल हज को यहाँ से जमरात जाते हैं, शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। आज की तरफ नजर आ रहे हैं ये वो सामने देखे पहाड़ के ऊपर, ये सामने पहाड़ के ऊपर छोटा सा पिलर है, आए नजर जी। इसको नाम इस्माइल कहा जाता है। ये बिल्कुल सामने आपके सीधे उल्टे आते यमन के शहर सनआ के अंदर जो आज भी दारुल हुकूमत है यमन का, अरब लोगों को जब इसके बारे में मालूम हुआ तो यहाँ से एक आदमी गया और उसके गिरजे के अंदर गंदगी यानी पखाना करके भाग आया। अब्रहा को जब इसके बारे में मालूम हुआ
अंदर 15 लाख पब्लिक हो तो भी पब्लिक देखा है, 50 लाख हो तो भी देखा है। और ये जो 3-4 फ्लोर नजर आ रहे हैं ये रास्ते हैं मुख्तलिफ, इन्हीं रास्तों के लिए खैमे नहीं लगाए जाते हैं, यहाँ पर खुले आसमान के नीचे हाजी रात गुजारते हैं। और इसी मैदान के अंदर मस्जिद है, मस्जिद मशर अल हराम, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और आज के दूसरे पारे में अल्लाह ने इस जगह का जिक्र फरमाया है मशर अल हराम का, यह आपके सीधे हाथ की तरफ 2 मीनार वाली मस्जिद आएगी, मस्जिद मशर अल हराम। ये भी सारा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दिनों में इसमें नमाजें अदा की जाती हैं। मस्जिद मशर अल हराम आपकी राइट साइड में, ये 2 मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद मशर अल हराम। और ये मुजलफा का मैदान है, और मुजलफा के मैदान के अंदर आप देखेंगे जगह जगह आपको छोटी छोटी कंकरियां नजर आएंगी। ये वो कंकरियां हैं जो हाजी लोग शैतानों को मारने के लिए मुजना के खेमे हैं। हाजी लोग 8 दिलहज को यहाँ पर आते हैं और 9 दिलहज को अराफात के मैदान में जाते हैं, और 9 और 10 की रात मुजलफा के अंदर गुजारते हैं, 10 तारीख को वापस यहाँ पर आते हैं, 10 दिलहज को यहाँ से जमरात जाते हैं, शैतानों को कंकरियां मारते हैं। आगे की तरफ देखेंगे तो गोल पिल्लर आपको नजर आ रहा है, ये हेलीपैड है, और उसी के साथ एक बड़ा टेंट आपको नजर आ रहा होगा, ऑफ व्हाइट कलर का टेंट है, उसके नीचे छोटे शैतान का मकाम है। फिर उससे आगे इसी तरह का एक और टेंट है, उसके नीचे दरमियाना शैतान है। फिर उससे आगे एक और टेंट है, उसके नीचे बड़ा शैतान, तीनों शैतान।